हमारे भारत सरकार ग्रामीण विकास पर काफ़ी जोर दे रही है। मूलभूत सुविधाएं जैसे पानी, शौचालय की समस्याएं हैं। पानी और शौचालय की समस्या को लेके ग्राम हंडी टोला में एक दिवसीय जनसुनवाई में 9 पंचायत के 9 गांव के लोग, करीब 150 लोग उपस्थित होकर संबंधित विभाग को ज्ञापन सौंपी गई। हमारे गांव में 25% घरों में शौचालय बना है और 75% बाकी है। इसमें 3-4 साल पहले गरीबी रेखा वाले 300 रुपये जमा किए थे और अमीरी रेखा वाले 600 रुपये जमा किए थे। इतने जमा करके भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है। हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, इसलिए मैं स्वच्छता सुनवाई में आई हूँ, क्योंकि शौचालय तो बना है लेकिन अधूरा है, पूरा नहीं हुआ है। जो हम BPL वर्ग से 300 रुपये जमा किए लेकिन पूरा नहीं हुआ है, इसलिए यही पंचायत में भी आवेदन दिए हैं, तो इसलिए वहाँ भी सुनवाई नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पे आए हैं। जन सुनवाई में समाधान समस्या होगी उम्मीद है, इसके साथ में हम लोग आवेदन लेकर रहे हैं, क्योंकि सभी विभाग के लोग वहाँ आए हैं। आगे हम लोग यही करेंगे कि सबके सब मिल के, पूरे गांव परिवार भर के मिल करके सबके सब समस्या रखेंगे, तो सब में एकता होगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और इससे हमारी समस्या सुलझ सकती है। जब बेस लाइन के दौरान हमने देखे यहाँ जल और स्वच्छता की समस्याएँ निकली, उन समस्याओं को देखते हुए हम सरपंच महोदया जी से सलाह लिए और उनके जरिए से इस गांव में जो है जल और स्वच्छता के प्रति जन सुनवाई का आयोजन किया है। मैं भान साहू, छत्तीसगढ़, इंडिया अनहट के लिए।